दोस्तों, कभी कभी हमें या हमारे परिवारजनों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमारे पास हर पल उतना पैसा भी नहीं हुआ करता ताकि हम अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कर सके। और दोस्तों, इसीलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं छत्तीसगढ़ में स्थित 4 सबसे अच्छे गवर्नमेंट अस्पतालों की सूची, जहां पर आप अपना स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का समाधान पा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपका मन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना और समय खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 4, CIMS बिलासपुर। चौथे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल। ये अस्पताल बिलासपुर की CIMS चौक पर स्थित है और इस अस्पताल को सन 2001 में स्थापित की गई थी। बिलासपुर में स्थित CIMS एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में 650 बेड्स को साथ लेकर टीबी और फेफड़े का इलाज, नाक कान गले से संबंधित रोग, दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, जनरल सर्जरी, हड्डियों का इलाज, गायनाकोलॉजी, त्वचा से संबंधित रोग एवं बच्चों आदि का अच्छी तरह से इलाज की जाती है। यह अस्पताल बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 3, ABBM GMC राजनांदगांव। तीसरे नंबर पर आता है अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल। यह अस्पताल राजनांदगांव की पेंड्री में स्थित है और इस अस्पताल को सन 2014 में स्थापित की गई थी। राजनांदगांव में स्थित ABBM GMC अस्पताल में 535 बेड्स को साथ लेकर नाक कान गले से संबंधित रोग, स्त्री रोग, दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, जनरल सर्जरी, बच्चों आदि का इलाज, टीबी और फेफड़े का इलाज, त्वचा से संबंधित रोग, हड्डियों का इलाज एवं और भी कई सारी बीमारियों का अच्छी तरह से इलाज की जाती है। यह अस्पताल राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 2, DBRMH रायपुर। दूसरे नंबर पर आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल। यह अस्पताल रायपुर की सेंट्रल जेल की ऑपोजिट में स्थित है और इस अस्पताल को सन 1995 में स्थापित की गई थी। रायपुर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में 800 बेड्स को साथ लेकर नाक कान गले से संबंधित रोग, दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, जनरल सर्जरी, त्वचा से संबंधित रोग, स्त्री रोग, हड्डियों का इलाज, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, कैंसर का इलाज, बच्चों आदि का इलाज एवं दिल, गुर्दे, लीवर, फेफड़े, इन समस्त अंगों का अच्छी तरह से इलाज की जाती है। यह अस्पताल रायपुर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 1, एम्स रायपुर। पहला नंबर पर आता है एम्स की अस्पताल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऐसे तो एम्स अस्पताल का देश भर में कई शाखाएं मौजूद है। एम्स का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंसारी नगर में स्थित है। रायपुर में स्थित एम्स अस्पताल ताती बंध में स्थित है और इस अस्पताल को सन 2012 में स्थापित की गई थी। रायपुर के एम्स अस्पताल में 1000 मॉडर्न बेड्स और 200 अल्ट्रा मॉडर्न ICU बेड्स को साथ लेकर बच्चों आदि के समस्त इलाज, गैस्ट्रोलॉजी, कैंसर का इलाज, हड्डियों का इलाज, दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, त्वचा से संबंधित रोग, यूरोलॉजी, पाचन तंत्र का इलाज, डायबिटीज, जनरल सर्जरी, दिल, गुर्दे, लीवर और फेफड़े से संबंधित रोगों का समस्त इलाज एवं और भी कई सारी बीमारियों का अच्छी तरह से इलाज की जाती है। यह अस्पताल रायपुर रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस चैनल का बाकी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।